खबर ने मेरा ध्यान बड़ा अपनी तरफ खींचा और ये खबर जो है अखबार की कटिंग है छोटी सी, और उस अखबार की खबर को मैंने पढ़ा और मैं थोड़ा सा हैरत में पड़ा। आपके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि विधानसभा में नियुक्ति नियम अनुसार हुई, यही लिखा हुआ है। आप ही के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कह रहे हैं कि विधानसभा में नियम अनुसार नियुक्तियां हुई हैं। तो मेरा सवाल यह है सीमा मैडम, देखा आपने खबर, या आप लोगों ने शायद सबने ध्यान से देखी भी होगी खबर। जब विधानसभा में सब कुछ नियम अनुसार हुआ जैसे कि आपके प्रदेश अध्यक्ष बता रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने जांच के लिए चिट्ठी क्यों लिखी, पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा यह कि विधानसभा अध्यक्ष ने 3 सदस्य समिति जांच क्यों बिठाई। तीसरा सवाल, देहरादून से दिल्ली तक फिर यह हड़कंप क्यों मचा हुआ है जब सब कुछ नियम अनुसार हुआ है, तो जैसे कि आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। प्लीज मैडम, जनमानस की भावनाओं का ध्यान रखना ही सरकार का जिम्मेदारी है और वो हम अच्छे से निभा रहे हैं। ये बीजेपी का स्टैंड है कि नियमानुसार हुआ, नहीं ये बीजेपी का स्टैंड है कि सब कुछ नियमानुसार हुआ। ये नियम था, आज तक का जो नियम था कि जो भी अध्यक्ष होगा विधानसभा का, उसके पास अधिकार होंगे कि वो अपनी मर्जी से पदों में नियुक्ति कर सकता। क्या उसमें लिखा हुआ है कि भाई भाई को देंगे, चाचा को देंगे, बुआ को देंगे, फूफा को देंगे, परिवारवाद लिखा हुआ है मैडम? सर लेट मी कंप्लीट, प्लीज कंटिन्यू। उसमें मैं ये कह रही हूं कि ये कतई नहीं लिखा हुआ कि आप अपने रिश्तेदारों में बांटेंगे रेवड़ियां जी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। रेवड़ी इतना पढ़ लिख कर नौजवान आज सड़क पे नहीं बैठेगा, और हमने इतनी शहादतें दे के जो उत्तराखंड पाया वो इसलिए नहीं पाया था कि नौजवान सड़क पे बैठे और आप अपने चाचे भतीजों और रिश्तेदारों को नौकरियां दे दो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, नहीं देना। क्यों किया आपने फिर ऐसा? ये नियम था कि आप भर्ती कर सकते हो, लेकिन जब हमने ये देखा कि यहां पर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई तो हमने कहा कि ठीक है, लोग भी खुश नहीं है, बच्चों की भविष्य की बात है, नौजवानों की भविष्य की बात है, तो मुख्यमंत्री जी ने अध्यक्षा को लेटर लिखा। शीशपाल जी कह रहे हैं बताया ना कि आपके अध्यक्ष कह रहे हैं, आप एक तरफ आप नियुक्तियों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नियम अनुसार हुई, और दूसरी तरफ जांच बिठा रहे हैं खुद विधानसभा अध्यक्ष और सीएम चिट्ठी लिख रहे हैं। जानते हैं कौन है ये पहाड़ की पीड़ा है, ये तस्वीरें, ये पहाड़ की पीड़ा है, ये बेरोजगारों की पीड़ा है। कितना दुर्भाग्य की बात है कि अयोग्य व्यक्ति बड़े पदों पर बैठे हैं और योग्य व्यक्ति सड़कों पर धूल फांक रहे हैं, धूल फांक रहे हैं। ये सीमा मैडम मुझे एक बात बताइए, इन युवाओं को क्या जवाब देंगे आप, क्या जवाब देंगे इन युवाओं को जो आज सड़कों पर हैं, कि सब कुछ विशेष अधिकार के तहत किया गया, सब कुछ नियम अनुसार किया गया और सब भर्तियां जो है बिल्कुल परफेक्ट जीरो टॉलरेंस के साथ हो रही हैं। ये युवा जो योग्य व्यक्ति हैं वो सड़कों पर धूल फांक रहे हैं, क्या कहेंगे इन बेरोजगारों को आप? इन बेरोजगारों को यही कहूंगी कि आपके साथ अन्याय कतई नहीं होगा, सारे दोषियों को सजा मिलेगी और एक एग्जाम्पल सेट होगा देश में, पूरे देश में, चाहे वो उत्तराखंड से ही शुरुआत हो, कि ये नहीं चलेगा। पहले स्पष्टीकरण आप अपने घर में ही मांग लीजिए कि आप लोगों ने किस आधार पर नियम का जिक्र करते हुए और नियमों की धज्जियां उड़ाई। ये परिवारवाद और रेवड़ी की सही परिभाषा है जो आप लोग कहते हैं, परिवारवाद और रेवड़ी, ये रेवड़ियां बांटी गई तिवारी जी ने, तो बता के बांटी थी, आप लोगों ने बिना बताए बैकडोर से बांटी है, और ये नियमों की धज्जियां इन्होंने उड़ाई है, वही देखा देखी कुछ लोगों ने करा। ये चलता चला रहा था, बताइए। मैंने माना कि कांग्रेस की सरकार में अगर गड़बड़ियां हुई तो ये सर्टिफिकेट मिल जाता भारतीय जनता पार्टी को गड़बड़ी का, पार्टी विद डिफेंस ऑफ जीरो टॉलरेंस, अगर मिलता तो हम इन्वेस्टिगेशन ना बिठाते। मैं क्यों नहीं हरीश रावत जी का नाम लूंगी, मैं सबका लूंगी नाम, उन सारे भ्रष्ट लोगों का नाम लूंगी, ऊपर से लेकर नीचे तक सबका लूंगी, क्योंकि उत्तराखंड इन लोगों की घर की बकौती नहीं है जो ये कुछ भी कर देंगे। तो किसकी बकौती थी जो अग्रवाल जी ने नौकरियां दी, किसकी बकौती थी फिर वो क्या विशेष अधिकार था कि आप अपने चाचों भुआ कोई विशेषाधिकार नहीं था? अगर विशेषाधिकार होता तो हमने चिट्ठी ना लिखी होती, विशेषाधिकार होता तो हमने सचिव का कमरा लॉक ना कराया होता।